हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे वीडियो को देखते हो और हमारे वीडियो को पसंद करते हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियोस ला पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है फूल्स गोल्ड और ये कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, इसलिए ये वीडियो आपको अंत तक बांधे रखेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र में बहामास नाम की जगह पर एक बोट खड़ी है और उस बोट पर एक मोटर लगी है जो मोटर चालू है। पानी के अंदर हमें दिखाते हैं कि दो डाइवर समुद्र के अंदर वैक्यूम क्लीनर जैसे टूल से समुद्र के अंदर कुछ ढूंढ रहे। डाइवर में से एक आदमी का नाम फिन होता है और उसका साथी अल्फोन होता है। ये दोनों ही ट्रेजर हंटर होते हैं और ये समुद्र के तल में खजाने की खोजबीन कर रहे थे। वहीं पानी की सतह पर उनकी जो बोट खड़ी थी उस बोट पर कोई नहीं था। तभी वहां लगी मशीन में स्पार्किंग होती है जिससे बोट पे पड़े हुए पेपर में आग लग जाती है और वो जलता हुआ पेपर उड़कर बोट के सामान में आग फैला देता है, जिससे धीरे धीरे पूरी बोट आग की चपेट में आ जाती है। थोड़ी देर बाद पूरी बोट जलकर पानी में डूब जाती है और बोट समुद्र के तल से टकराती है, जिससे बहुत सारी रेत उड़ती है। तभी उस रेत में से उड़ती हुई एक चीज फिन के हाथ में आ लगती है और फिन उस चीज को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो दोनों डाइवर सतह पर आ जाते हैं। तब फिन के हाथ में एक टूटी क्रॉकरी प्लेट थी और फिन उस प्लेट को देखकर कहता है, ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं पिछले 8 साल से ढूंढ रहा था। हमें ये बहुत बड़ा क्लू मिला है उस डूबे हुए खजाने का। तभी अल्फोन इस बात से परेशान था कि आखिर उनकी बोट कहां पर गई जो सतह पर खड़ी थी। अल्फोन चारों तरफ देखता है और फिर वो पानी के अंदर झांकता है। तब उसे समझ आ जाता है उनकी बोट ही थी जो पानी में डूबी थी, जिसके कारण रेत का गुबार उड़ रहा था। फिन का ध्यान अभी भी उस टूटी हुई क्रॉकरी प्लेट पर ही था और थोड़ी देर बाद उसे हैरानी होती है कि उनकी बोट कहां पर है। तब उसे भी रियलाइज होता है कि उनकी बोट पानी में डूब चुकी है। तभी सतह पर बोट लिए खड़े उन्हें दो आदमी मिलते हैं। जब वो दोनों आदमी देखते हैं कि फिन ने बोट डुबा दी है तो वो दोनों आदमी फिन को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें एक आलिशान यार्ड दिखाई जाती है और इस यार्ड पर एक टेस नाम की लड़की को दिखाया जाता है और टेस फिन की वाइफ होती है और टेस इस यार्ड पर निगेल हनीकेट नाम के आदमी के लिए काम करती है, जो कि एक अरबपति आदमी होता है। पर निगेल अपनी बेटी जेमी को लेकर काफी परेशान भी होता है, क्योंकि उसकी बेटी जेमी काफी फिजूल खर्च करती है और आए दिन पेपर पर उसकी बेहद कम कपड़ों में फोटो होती है। टेस का बॉस निगेल काफी दरियादिल इंसान भी होता है। तब टेस निगेल को थैंक्स कहती है, क्योंकि टेस के कहने पर निगेल ने अपनी यार्ड को की वेस्ट शहर में रोकने का प्लान बनाया, क्योंकि टेस की डेट कोर्ट में फिक्स थी। वो अपने पति फिन को जल्दी तलाक देने वाली थी। मूवी के अगले सीन में फिन गैंगस्टर बिग बनी के सामने बैठा हुआ था, जिसने उसे बोट और ट्रेजर हंट के लिए पैसे दिए थे, और बिग बनी फिन से कहता है, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उसका हिसाब कहाँ है फिन? तब फिन कहता है, मैंने तुम्हारे दिए पैसों से अपनी सारी उधारी चुका दी है और अब बस मैं तुम्हारा ही कर्जदार हूँ, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए खजाना ढूंढ कर लाऊंगा और मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक कीमती चीज लाकर दे दी है। फिन उस क्रॉकरी प्लेट की तरफ इशारा करता है जो उसने बिग बनी के सामने रखी थी। बिग बनी उस प्लेट को देखकर कहता है, ये प्लेट किसी होटल की प्लेट लग रही है। तब फिन कहता है, ये प्लेट किसी होटल की प्लेट नहीं है, यह प्लेट वेंगोर फैमिली के डिनर प्लेट है और उस पर वेंगोर फैमिली की स्टैम्प भी लगी हुई है। उस प्लेट का समुद्र में उस जगह पर मिलना इस बात का साइन है कि क्वींस डाउरी का खजाना आसपास ही कहीं है। बिग बनी फिन की बातों को समझ नहीं पाता और बिग बनी अपने आदमी से कहता है, इस बेवकूफ आदमी को मेरे सामने से ले जाओ और इसे पानी में फेंक दो। तब बिग बनी उस प्लेट को अपने पास रख लेता है। मूवी के अगले सीन में बिग बनी के दोनों आदमी फिन को समुद्र के बीच में ले जाते हैं और वो फिन के पैर एक वजनदार चीज से बांध देते हैं। आगे बिग बनी के दोनों आदमी फिन को पानी में फेंकने लगते हैं और फिन अपना बचाव करते हुए उनमें से एक आदमी से गन छीन लेता है और उनमें से एक आदमी फिन के पांव से बंधी उस वजनदार चीज को पानी में फेंक देता है, जिसके कारण फिन भी पानी के अंदर जाने लगता है। तभी वो गन से एक आदमी के पांव पर गोली चलाता है और वो दूसरे आदमी की तरफ भी गोली चलाता है, तो दूसरी गोली दूसरे आदमी के कान पर जा लगती है। फिन अभी भी बोट को पकड़ा हुआ था और वो बोट पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर उसके पांव से बंधी वजनदार चीज के कारण वो ऊपर नहीं आ पाता। तभी बोट पर मौजूद एक आदमी बोट को तेजी से चलाने लगता है
और फिन के हाथ से बोट छूट जाती है और अपने पांव में बंधी भारी चीज के कारण फिन समुद्र तल में जा पहुंचता है। फिन अपने पांव से बंधी हुई उस चेन को खोलने की कोशिश करता है। तभी फिन को समुद्र तल पर गन पड़ी हुई दिखाई देती है, जो गन फिन के हाथ से छूट गई थी। तब फिन किसी तरह उस भारी चीज को लेकर उस गन तक पहुंचता है और फिन उस गन को उठाकर पानी के अंदर उस चेन पर गन चलाकर उसे तोड़ देता है और फिन पानी के ऊपर आ जाता है। पानी के ऊपर फिन को एक प्लास्टिक का बॉक्स तैरता हुआ दिखाई देता है। तब फिन उस बॉक्स के पास पहुंचकर उसी के सहारे पानी के ऊपर रहने की कोशिश करता है। आगे रात हो चुकी थी और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि टेस तैयार होकर कोर्ट में जा रही थी। दूसरी तरफ फिन पूरी रात उस बॉक्स के सहारे पानी के ऊपर तैर रहा था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उसके पास एक बोट आती है, जिस बोट पर कुछ यंगस्टर पार्टी कर रहे थे। वो यंगस्टर फिन को पानी में देखकर उसे शहर के किनारे तक लिफ्ट देते हैं। फिन को पता होता है कि आज 10 बजे उसका कोर्ट में अपॉइंटमेंट है। टेस कोर्ट में पहुंच चुकी थी और वो फिन का वेट कर रही थी। तब उसे फिन पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। तब वहीं बेटा जज कहता है, हम लोग थोड़ी देर और वेट करेंगे और अगर फिन नहीं आता है तो हम ये फैसला टेस के फेवर में देंगे और फिन के नाम जो कुछ भी है वो टेस के नाम कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ फिन दौड़ता हुआ किसी भी हालत में कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जब फिन कोर्ट में पहुंचता है तब तक जज डिवोर्स का फैसला सुना चुका था। जज ने फिन और टेस दोनों का डिवोर्स ऑर्डर कर दिया था। तब फिन जज को समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों अभी भी बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों को डिवोर्स नहीं चाहिए। तब टेस की वकील कहती है, तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। तब टेस गुस्से में रूम से बाहर जाने लगती है। तब फिन टेस को मनाने उसके पीछे जाता है और फिन टेस को उस क्रॉकरी प्लेट के टुकड़े के बारे में बताता है जो उसे पानी में मिली थी। तब फिन क्रॉकरी प्लेट पर बनी स्टेम का डिजाइन बनाकर टेस को दिखाता है। टेस उस स्टेम डिजाइन को देखकर काफी एक्साइट हो जाती है क्योंकि वो पहचान जाती है कि ये डिजाइन वेंगोर फैमिली का ही स्टैम्प है। तब टेस फिन से कहती है, वो प्लेट अभी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। फिन कहता है, वो प्लेट अभी मेरे पास नहीं है। तब टेस को लगता है कि फिन उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। फिन टेस को रोकने की कोशिश करता है। तब टेस कहती है, मैं शिकागो जाऊंगी और फिर वहां पर मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई फिर से शुरू करूंगी, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे पीछे और बर्बाद नहीं कर सकती। तब फिन टेस से पूछता है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे। तब टेस कहती है, जज ने हमारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है और इसलिए मेरे नाम एक बोट भी की गई है, मैं उसे बेचकर पैसा जुटा लूंगी। तब फिन सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने वो बोट पहले ही डुबा दी थी। पर फिर वो हिम्मत करता है और वो टेस के कान में ये बात बता देता है। टेस ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो एक छड़ी लेकर फिन के सर पर जोर से मारती है। वापस यार्ड पर पहुंचकर टेस के दिमाग में कई सारी बातें उस खजाने के बारे में चल रही होती है। तब टेस इंटरनेट पर स्पेनिश वेंगोर फैमिली के बारे में सर्च करने लगती है तो उसे एक फोटो की प्लेट में वैसा ही डिजाइन दिखाई देता है जैसा डिजाइन टेस को फिन ने बनाकर दिखाया था। दूसरी तरफ फिन डिवोर्स होने के बाद काफी दुखी होता है और वो एक बार में पहुंचता है। फिन को बार में उसका साथी अल्फोन भी दिखता है और फिन को देखकर अल्फोन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि बिग बनी तुम्हें जिंदा छोड़ देगा। दूसरी तरफ यार्ड में टेस भी बड़ी टेंशन में होती है क्योंकि वो यार्ड की वे शहर के पास में खड़ी थी और उसे इस बात की चिंता होती है कि फिन को ट्रेजर हंट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और फिन पैसों के लिए किसी न किसी पार्टी को ढूंढ रहा होगा। उसे डर था कि फिन पैसे मांगने उनकी यार्ड में ना आ जाए। अपनी टेंशन में टेस यार्ड के मालिक निगल के पास जाती है और वो निगल से कहती है, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब निगल कहता है, मेरी बेटी यहाँ पर चौपर से आ रही है और वो की वेस्ट में शॉपिंग के लिए रुकेगी। बार में अल्फोन फिन को सलाह देता है, इस वक्त की वेस्ट के पास एक बहुत बड़ी यार्ड खड़ी है जिसमें एक बहुत रईस आदमी निगल हनीकट रुका हुआ है और अगर तुम उसे किसी तरह से पटा लोगे तो तुम्हें 100% ट्रेजर हंट के लिए फंडिंग मिल जाएगी। निगल की बेटी अभी अभी चौपर से यहाँ पर आने वाली है। तभी बार के ऊपर चौपर के जाने की आवाज आती है। तब फिन को लगता है कि उसे ट्रेजर हंट का रास्ता मिल गया है और वो उस चौपर के पीछे चल देता है। गेमा का चौपर यार्ड के पास उतरने लगता है और फिन भी उस यार्ड के पास जाने लगता है। तब गेमा अपने पिता से मिलकर वहां से शॉपिंग के लिए निकल जाती है और तब फिन भी यार्ड की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी अचानक गेमा की केप हवा में उड़ने लगती है और गेमा बोट चलाने वाले आदमी को वापस उसकी केप के पास बोट ले जाने के लिए कहती है। फिन भी ये सब देख लेता है और वो गेमा की केप के पास जाने लगता है और किसी तरह से फिन गेमा की केप को पकड़ लेता है।
तभी अचानक गेमा जिस बोट पर थी वो बोट फिन की ट्यूब बोट से टकरा जाती है। तब यार्ड पर मौजूद लोग किसी तरह से फिन को यार्ड पर ले आते हैं। गेमा फिन से इंप्रेस हो चुकी थी और गेमा निगेल को कहती है, इस आदमी ने मेरी जान बचाई है। तब फिन को होश आता है और वो निगेल से मिलता है। तब निगेल फिन को अपना गेस्ट बना लेता है और शाम को उनके साथ डिनर करने के लिए इन्वाइट कर देता है। शाम को सभी साथ में मिलकर डिनर करते हैं और टेस वहां पर डिनर लेकर आती है। तभी टेस की नजर फिन पर पड़ती है और वो उसे देखकर चिल्लाने लगती है। तब निगेल को पता चलता है कि टेस और फिन दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तब फिन निगेल को बताता है, टेस और हम दोनों पहले पति पत्नी थे, अब हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। पहली बार जब मैं टेस से मिला था तो हम लोग मोय फिंच नाम के आदमी के लिए काम किया करते थे। तब टेस कहती है, मोय फिंच एक लोकल ट्रेजर हंटर है जो कि इस एरिया में काफी फेमस है। पर बाद में फिन और मोय फिंच के बीच में दोनों में झगड़ा हो गया था क्योंकि फिन ने अकेले ही ऑरेलिया शिप का कैनन ढूंढ लिया था। पर बाद में फिन को उसे मोय फिंच को देना पड़ा क्योंकि कानून के हिसाब से फिन ने उस चीज को ढूंढने के लिए मोय के इक्विपमेंट यूज किए थे और इसलिए फिन को वो कैनन मोय फिंच को देना पड़ा। तब निगेल कहता है, ओके ये सब ठीक है पर पहले मुझे उस खजाने के बारे में बताओ। तब फिन कहता है, 31 जुलाई 1715 में एक समुद्री तूफान ने स्पेनिश जहाजों का पूरा जखीरा डुबो दिया था। इस जखीरे में एक शिप का नाम कैपिटाना था और कैपिटाना शिप के अंदर ही सारा खजाना था और इस खजाने के अंदर ज्वेलरी, डायमंड और रूबीज और कई सारा सोना था। तब वहीं बैठी टेस कहती है, मोय फिंच के सामने हम कोर्ट केस हार गए थे और इसके बाद हमने अपना बैग पैक किया और स्पेन के लिए चले गए और वहां पर हमने ओरेलिया नाम की शिप के बारे में रिसर्च किया। तब हमें पता चला ओरेलिया नाम की शिप का कैप्टन एक 18 साल का लड़का था जिस लड़के का नाम सेबेस्टियन वेंगोर था। तब फिन कहता है, और हमें वहां पर यह भी पता चला कि सेबेस्टियन वेंगोर नाजायज बेटा था कैप्टन जनरल जुआन उबिला का जो कि कैपिटाना शिप के कैप्टन थे और ये बेटा कैप्टन को उनकी मिस्ट्रेस फ्रांसिस्का वेंगोर से हुआ था। हमें स्पेनिश लाइब्रेरी में एक बुक भी मिली थी जिस बुक का नाम वेंगोर फैमिली इन स्पेन था। टेस को उस बुक में एक लेटर भी मिला था जो लेटर कैप्टन उबिला ने अपनी मिस्ट्रेस फ्रांसिस्का को लिखा था। तब टेस कहती है, मैंने वो लेटर पढ़ा था और उस लेटर में कैप्टन उबिला ने फ्रांसिस्का को लिखा था, मुझे पूरा यकीन है कि ऑरेलिया शिप तूफान से बचकर निकल जाएगी क्योंकि उस शिप का कैप्टन सेबेस्टियन है। मुझे पूरा यकीन है कि सेबेस्टियन स्पेनिश क्राउन को हमारे राजा तक पहुंचा देगा। तब निगेल कहता है, यानी कैप्टन डॉन जुआन उबिला ने एक स्विच मारा था, उन्होंने सारा खजाना कैपिटाना शिप से निकाल कर ऑरेलिया शिप में छिपा दिया था ताकि वो खजाना तूफान से जल्दी निकाला जा सके क्योंकि कैपिटाना शिप काफी हैवी हो चुकी थी और वो काफी स्लो भी चल रही थी और उसके डूबने का खतरा था। और ऐसा हुआ भी, तूफान में कैपिटाना सहित सारे जहाज डूब गए थे। तब टेस कहती है, हमें उस स्पेनिश लाइब्रेरी में एक आर्टिकल भी मिला था जिसमें लिखा था एक स्पेनिश नाविक को 1718 में एक सुनसान आइलैंड पर पाया गया था कैपिटाना सहित सारे जहाजों के डूबने के 3 साल बाद। ये नाविक कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन वेंगोर था, ऑरेलिया शिप का कैप्टन, कैप्टन डॉन जुआन उबिला का वही नाजायज बेटा जिसके भरोसे उन्होंने कैपिटाना का सारा खजाना ऑरेलिया शिप में डाल दिया था और उसने वो सारा खजाना उसी आइलैंड पर छुपा दिया था जहां से वो मिला था ताकि किसी के हाथ में वो खजाना ना लगे। निगेल और उसकी बेटी जेमा खजाने की कहानी सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तब निगेल अपनी बेटी से कहता है, क्या तुम हमारे साथ खजाने की तलाश करोगी या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओगी। उसके बाद ट्रेजर हंट का मिशन शुरू होता है और जेमा इंटरनेट पर पढ़कर बताती है कि जिस आइलैंड पर हम खजाने की खोज करने जाने वाले हैं, वो आइलैंड किसी बिग बनी नाम के आदमी ने खरीद लिया है। ये बात सुनकर फिन और टेस दोनों शॉक रह जाते हैं और टेस फिन से कहती है, तुमने बिग बनी को ये बात पहले क्यों बताई। तब फिन कहता है, भले ही बिग बनी ने आइलैंड खरीद लिया है पर उसके आसपास का पानी उसका नहीं है। तभी जेमा आती है और वो कहती है, यहाँ पर एक और बोट पानी के आसपास घूम रही है। टेस और फिन वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो बोट किसी और की नहीं बल्कि मोय फिंच नाम के आदमी की थी जिसके साथ फिन पहले काम किया करता था। मोय फिंच को देखकर फिन कहता है, ऑरेलिया शिप मेरी होगी। तब मोय कहता है, अगर वो शिप तुम्हें पहले मिली तो। वो दोनों कंपटीशन में लग जाते हैं कि पहले ऑरेलिया शिप के खजाने को कौन ढूंढेगा। तब फिन यार्ड के पीछे जाकर पानी के अंदर जंप करता है और टेस और निगेल मोय फिन से बात करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। फिन पानी के अंदर जाता है तो वो देखता है मोय फिंच के आदमी
पानी के अंदर खोजबीन शुरू कर चुके थे और वो वहां पर डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट करने वाले थे। डायनामाइट लगाकर मोई फिंच के आदमी मोई फिंच की बोट पर चले जाते हैं और तब मोई फिंच अपने आदमी को ब्लास्ट करने की इजाजत दे देता है। तब फिन पानी के अंदर था और वो डायनामाइट की वायर को निकालने लगता है। ऊपर खड़ी हुई टेस भी फिन को पानी के अंदर देख लेती है और टेस मोई फिंच के आदमी को ध्यान भटकाने के लिए जेमा को बुलाती है। तब जेमा मोई फिंच के आदमियों से बातें करने लगती है और मोई फिंच के आदमी भी अपना काम छोड़कर जेमा से बातें करने में लग जाते हैं। तब जेमा पानी के अंदर फिन को देख लेती है और वो ये बात सभी को बताती है, पानी के अंदर फिन है। मोई फिंच भी पानी के अंदर फिन को देख लेता है और वो उस पर गुस्सा करता है। तभी फिन के हाथों एक गलत केबल निकल जाती है और वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण फिन दूर जाकर फिकाता है और ब्लास्ट के कारण फिन के हाथ में कहीं से एक स्पेनिश तलवार आ जाती है। तब मोई फिंच अपने आदमियों से कहता है, ब्लास्ट किसने किया, नीचे एक आदमी है वो मारा जाएगा। तभी वो आदमी गलत फहमी में टिगर दबा देता है और नीचे पानी के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट में फिन पानी के ऊपर आ जाता है और उसके हाथ की तलवार निगेल की याट पर चली जाती है और वो तलवार जेमा के ठीक पास जाकर गिरती है। तब मोई फिंच अपनी बोट पर देखता है तो उसकी बोट पर फिन आ गया था। तब मोई फिंच फिन को मारता है। उस रात याट पर मौजूद सभी लोग डिनर कर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तब फिन भी अपने कमरे में था और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। दूसरी तरफ टेस को भी नींद नहीं आ रही थी और इसलिए वो फिन के कमरे में फिन से बात करने जाती है। तब टेस देखती है फिन उसके कमरे में नहीं था। फिन रात में बिग बनी के बार में जाता है जहां पर बिग बनी के आदमी काम कर रहे थे। जिस आदमी के कान पर गोली लगी थी फिन उस पर तलवार अड़ा देता है और फिन कर्टिस से बिग बनी के बारे में पूछता है कि वो अभी कहां पर है। तब कर्टिस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और फिन कर्टिस को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अंदर से आ रही आवाजों को बिग बनी का दूसरा आदमी भी सुन लेता है और वो किचन एरिया की तरफ जाने लगता है। तब फिन अचानक आकर दूसरे आदमी के गले पर भी तलवार अड़ा देता है। तब बिग बनी का दूसरा आदमी भी अपने आप को फिन से छुड़ाकर उस पर गन अड़ा देता है। तभी उस जगह पर एक आदमी बेट लेकर आता है और वो फिन पर हमला करता है। आगे फिन को होश आता है तो फिन बिग बनी के सामने था। तब फिन बिग बनी से पूछता है, ये नया आदमी कौन है। तब बिग बनी कहता है, ये साइरस है, मेरा चीफ स्टाफ। तभी वहां खड़ा बिग बनी का आदमी कहता है, इसे क्यों रखा और ये क्या करेगा चीफ स्टाफ बनकर। तब साइरस अपने पास से गन निकालकर बिग बनी के उस आदमी को मार देता है। यह देखकर कर्टिस अपने हाथ खड़े कर देता है और वो कहता है, जैसा साइरस कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तब फिन बिग बनी से कहता है, तुम गलती कर रहे हो, मोई फिंच तुम्हारे लिए ट्रेजर ढूंढेगा, इसके सिर्फ 50% चांस है। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो हम आधे टाइम में ये काम खत्म कर सकते हैं और इसके बदले मैं तुम्हें खजाने का 10% हिस्सा भी दे दूंगा। 10% की ऑफर से बिग बनी हैरान होता है और वो हंसने लगता है और बिग बनी फिन से कहता है, अगर तुम मुझे वो ट्रेजर ढूंढकर दे दोगे तो मैं शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बिग बनी फिन का ऑफर ठुकरा देता है और फिन वापस यार्ड पर चला जाता है। तब टेस फिन का इंतजार कर रही थी और वो फिन से पूछती है, तुमने बिग बनी से कितना कर्जा ले रखा है। फिन पहले तो टेस को कुछ भी बताने से मना कर देता है और फिर वो कहता है, मैंने बिग बनी से तकरीबन $62,000 लिए थे। अगली सुबह सारे फिर से ट्रेजर हंट के लिए निकलने लगते है और वो समुद्र तल पर खजाने की खोजबीन करने लगते है, पर उन्हें वहां पर खजाना होने का कोई भी सबूत तक नहीं मिलता और वो पूरे दिन सर्च करने के बाद खाली हाथ लौटते हैं। रात को फिन, टेस, निगेल, जेमा और अल्फोन ये सभी लोग एक बार में बैठे हुए होते हैं और इन सभी को काफी अफसोस हो रहा था कि उनकी आज पूरे दिन की तलाश उन्हें कुछ नहीं दे पाई। तब टेस को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि यदि ऑरेलिया शिप इस रीफ के पास डूबा होगा तो यहाँ पर दुनिया का सबसे साफ पानी है, तो किसी न किसी को अब तक यहाँ पर ऑरेलिया शिप मिल जाना चाहिए थी और शायद इसीलिए वो शिप हमें दिखाई नहीं दी। तब फिन कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो शिप यहाँ पर हो ही ना। तभी वहां पर निगेल की यार्ड का कैप्टन आता है और वो निगेल से कहता है, सॉरी सर, हमें यार्ड को रीफ से हटाना होगा क्योंकि यहाँ पर तूफान आ रहा है और हम यार्ड को दूसरे किनारे के पास लगा रहे है। तब फिन भी कैप्टन के इस बात को सुन रहा था और उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और फिन दौड़कर कैप्टन के पास जाता है और फिन कैप्टन से पूछता है, तुम यार्ड को नॉर्थ बीच पर ही क्यों ले जा रहे हो। तब कैप्टन कहता है, क्योंकि यह इस आइलैंड का अकेला बीच है जिसके आसपास चट्टाने नहीं है। यह सुनकर फिन खुश होता है और वो कैप्टन को गले लगा लेता है और वो टेस को बताता है, सेबेस्टियन ने वो खजाना समुद्र के अंदर नहीं छिपाया था बल्कि उसने वो खजाना बीच पर छिपाया था।
आगे फिन और टेस रात को वापस से यार्ड पर जाते हैं और तब यार्ड जमीन के बहुत करीब खड़ी होती है। तब फिन और टेस समुद्र के अंदर डाइव करते हैं और वो वहां पर ऑरेलिया शिप को ढूंढने लगते हैं और तब उन दोनों को बीच के किनारे पर ऑरेलिया शिप की तोपें मिल जाती है जो कि रेत के नीचे दबी हुई थी। यह देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन ने तट के पास ही ऑरेलिया शिप को डुबाया था। इससे पहले वो शिप को समुद्र के बीच में ढूंढ रहे थे। ऑरेलिया शिप की तोपें मिलने से वो दोनों बहुत खुश होते हैं और चिल्लाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। अगली सुबह वो सभी लोग इक्विपमेंट लेकर तट के पास ही खजाने की तलाश शुरू कर देते हैं। उन्हें वो शिप से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें जमीन में गड़ी हुई मिल जाती है पर उन्हें अभी भी खजाने जैसी कोई कीमती चीज वहां पर नहीं मिल रही थी। तब फिन को लगता है कि सेबेस्टियन सारा खजाना मेन आइलैंड के अंदर ले गया होगा। यह सुनकर टेस कहती है अगर वो खजाना मेन आइलैंड के अंदर ले गया होगा तो उन्हें इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आइलैंड की सबसे पुरानी बिल्डिंग से मिल सकती है और उस आइलैंड की सबसे पुरानी बिल्डिंग एक चर्च थी। आगे फिन और टेस चर्च में पहुंच जाते हैं सबूतों की तलाश में। वो चर्च में पड़ी हुई सारी किताबों को रात भर पढ़ते हैं। तब टेस को एक किताब में एक सबूत मिलता है। इस किताब में जिस इंसान ने वो चर्च बनाया था उसने कहा था व्हाइट टापू पर आने वाला मैं पहला यूरोपियन नहीं था, मुझसे पहले यहाँ पर स्पेनिश भी आ चुके थे क्योंकि यहाँ पर एक स्पेनिश औरत ऑरेलिया की कब्र थी जो कि सन 1715 में मरी थी। यह सुनते ही फिन के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि जिसे वो डच लोग औरत समझ रहे थे बल्कि वो ऑरेलिया शिप थी जो यहाँ पर किनारे पर डुबाई गई थी और अगर ऑरेलिया नाम की कब्र इस टापू में है तो यहाँ पर कब्रिस्तान भी होगा। आगे टेस और फिन कब्रिस्तान में ऑरेलिया नाम की लेडी की कब्र को ढूंढने लगते है और उन्हें वो कब्र मिल जाती है। वो दोनों उस कब्र को खोदने लगते हैं। तब उस कब्र के अंदर से फिन को एक ड्रम मिलता है। फिन उस ड्रम को तोड़कर देखता है तो उस ड्रम के अंदर कुछ सामान और एक किताब निकलती है। यह किताब खुद सेबेस्टियन वैन गोर ने ही लिखी थी और उसमें उसने बताया था कि काफी ढूंढने के बाद मुझे खजाना छुपाने की जगह मिल गई। यह खजाना कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि वो जगह एक वर्चुअल डेथ ट्रैप है। वो एक बड़ा सा होल है जिसमें हर साल दिसंबर में एक या दो बार ही जाया जा सकता है वरना पूरे साल वहां पर पानी भरा रहता है और उस जगह पर जाना मौत को दावत देना है और उसमें हर साल दिसंबर के महीने में बस एक या दो बार ही जाया जा सकता है। तब फिन कहता है तो वो जगह एक ब्लो होल है जहाँ सेबेस्टियन ने सारा खजाना छिपा कर रखा है। तब टेस कहती है इस टापू पर क्लिफ्टन पॉइंट पर एक ब्लो होल है और उसी वक्त वहां पर बिग बनी और उसके साथ साइरस और कर्टिस भी आ जाते हैं और बिग बनी फिन से वो किताब मांगने लगता है। तब फिन वो किताब साइरस को फेंक कर मारता है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तब टेस भी खोदने का टूल उठाकर बिग बनी और कर्टिस का सामना करने लगती है और मौका पाकर फिन और टेस स्कूटर लेकर वहां से भाग जाते हैं और साइरस दौड़कर उनका पीछा करने लगता है। फिन तेजी से झाड़ियों के बीच गाड़ी चला रहा था तभी टेस स्कूटर से नीचे गिर जाती है और फिन पीछे मुड़कर टेस को देखता है। तब वो स्कूटर खाई में कुदा देता है और स्कूटर में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर टेस चिल्लाने लगती है। तब बिग बनी साइरस और कर्टिस टेस को बंदी बना लेते हैं और उन्हें भी पता चल चुका था कि खजाना कहां पर है। आगे साइरस और कर्टिस टेस को क्लिफ्टन पॉइंट पर ले जाते हैं और वो लोग ब्लो होल के पास जाते हैं जहां से पानी की लहरें तेजी से ब्लो होल के ऊपर आती है। साइरस टेस से कहता है थोड़ी देर बाद पानी नीचे जाएगा और यही मौका होगा तुम्हारे नीचे जाने के लिए। टेस ऐसा करने से मना करती है पर साइरस जबरदस्ती उसके पेट पर रस्सी बांध देता है और उसे होल के अंदर जाने के लिए मजबूर करता है। टेस नीचे जाती है और वो साइरस से कहती है यहाँ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है और यहाँ पर कोई सुरंग नहीं है। तब साइरस टेस के पेट से बंधी हुई रस्सी के दूसरे सिरे को भी नीचे फेंक देता है। तभी ब्लो होल में पानी का स्तर नीचे चला जाता है और टेस के पास एक मौका होता है उस सुरंग को ढूंढने का। तब टेस भी पानी के अंदर जाती है और वो देखती है चट्टानों के बीच एक सुरंग है। टेस उस सुरंग के अंदर घुस जाती है तो वो देखती है वो पानी की एक गुफा में तैर रही थी और नीचे तल पर पानी में खजाना रखा हुआ था। तब टेस को वहां पर एक तोप भी रखी हुई दिखाई देती है। टेस अपने पेट से बंधी हुई रस्सी को उस तोप के सिरे से बांध देती है और वो खजाने से भरा हुआ एक बक्सा पकड़ लेती है। तभी पानी का तेज बहाव आता है और जो बक्सा टेस ने पकड़ रखा था वो उसके हाथ से छूट जाता है और उस बक्से के अंदर मौजूद सोने के सिक्के ब्लो होल के होल से बाहर निकलते हैं। यह देखकर साइरस समझ जाता है कि खजाना यहीं पर है और वो अपने बॉस बिग बनी को फोन करके कहता है खजाना मिल चुका है। दूसरी तरफ फिन भी अभी तक जिंदा था और वो मोय फिंच को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है। तब बिग बनी भी अपना प्लेन लेकर ब्लो होल की जगह पर पहुंच जाता है
और तब कर्टिस और साइरस डाइविंग सूट पहनते हैं और वो डाइव करते हुए गुफा के अंदर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ मॉय फिंच भी यार्ड पर पहुंच चुका था और वह सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है। टेस अभी भी पानी के अंदर छुपी हुई थी। जब भी पानी का प्रेशर बनता है तो वो किसी चीज को पकड़ लेती है और रस्सी के सहारे बंधे होने के कारण वो ब्लो होल से बाहर नहीं निकलती। तब गुफा के अंदर कर्टिस और साइरस भी दूसरे रास्ते से पहुंच गए थे। उन्हें देखकर टेस एक जगह पर जाकर छिप जाती है। दूसरी तरफ ब्लो होल की तरफ फिन भी बढ़ने लगता है। तब बिग बनी उसे देख लेता है और वो उस पर गोलियां चलाने लगता है। नीचे साइरस और कर्टिस भी खजाने तक पहुंच गए थे। तब साइरस वहां पर तोप से एक रस्सी बंधी हुई देखता है और वो देखता है टेस वहां पर छिपी हुई है और वो अभी भी जिंदा है। तब साइरस रस्सी को पकड़कर खींचने लगता है और फिन भी ब्लो होल के अंदर टेस को देख लेता है और वो टेस को बचाने के लिए ब्लो होल के अंदर कूद जाता है। साइरस रस्सी को पकड़कर खींचता है और वो टेस को अपने पास ले आता है। तब टेस साइरस के मुंह का रेगुलेटर निकाल देती है और फिन साइरस को पीछे से पकड़कर धकेल देता है। तभी पानी के अंदर वापस से तेज लहर आती है और इस बार टेस रस्सी के जरिए फिन को भी अपने साथ बांध लेती है। तब साइरस देखता है कि उसकी तरफ तेजी से वेव आ रही थी। कर्टिस खजाने का बॉक्स लेकर बिग बनी के प्लेन तक पहुंचता है और बिग बनी कर्टिस से पूछता है साइरस कहां पर है। उसी वक्त पानी की तेज लहर साइरस की तरफ बढ़ती है और साइरस लहरों के प्रेशर से ब्लो होल से बाहर की तरफ फिका जाता है। तब साइरस के चट्टानों से टकराकर चिथड़े चिथड़े हो चुके थे और साइरस मारा जा चुका था। बिग बनी भी ब्लो होल से बाहर निकलते हुए खून के फवारों को देखता है और बिग बनी कर्टिस को वाटर गन देकर कहता है जिसने भी ये किया है उसे मार डालो। दूसरी तरफ ब्लो होल के अंदर टेस और फिन थे और फिन अपनी आंखों के सामने इतना सारा खजाना देखकर खुश होता है। बिग बनी वो बॉक्स खोलकर देखता है जो कर्टिस उसके पास लाया था, तो उस बॉक्स के अंदर हीरे जवाहरात थे। मॉय फिंच अपने सारे साथियों को लेकर बिग बनी के प्लेन के पास जाने लगता है। तब बिग बनी उनकी बोट पर फायरिंग करने लगता है। तब मॉय फिंच देखता है कि पानी के अंदर कर्टिस था। तब मॉय फिंच उसे पकड़ने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। तब कर्टिस भी मॉय फिंच को देखकर उस पर तीर चलाता है। तब तक वहां पर टेस और फिन भी आ जाते हैं और फिन कर्टिस को पकड़ लेता है और फिन और कर्टिस दोनों लड़ने लगते है। बिग बनी खजाने के बक्से को प्लेन में रखने लगता है। तभी उससे वो खजाने का बक्सा छूट जाता है और वो बक्सा पानी में जाकर कर्टिस के ऊपर जा गिरता है। टेस और मॉय फिंच पानी से बाहर निकलते हैं तो वो प्लेन के पास थे। तब बिग बनी टेस को पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लेता है। तब टेस प्लेन में ही रखा एक स्टोन उठाकर अपने पास छिपा लेती है। बिग बनी प्लेन को चलाने वाला होता है, तभी टेस उस पर स्टोन से हमला करती है। तब बिग बनी टेस को मारकर उसे घायल कर देता है और वो प्लेन वहां से ले जाने लगता है। प्लेन को जाता हुआ पानी के अंदर से फिन भी देख लेता है, पर तब तक प्लेन वहां से जा चुका था। तब वहां पर जेमा बोट बाइक लेकर पहुंच जाती है और फिन जेमा की बाइक पर बैठकर प्लेन का पीछा करने लगता है। फिन प्लेन के पास जाकर प्लेन को पकड़ लेता है और वो प्लेन में जाने की कोशिश करने लगता है, पर तब तक प्लेन उड़ चुका था। तब बिग बनी भी फिन को प्लेन पर लटका हुआ देख लेता है और वो फिन को शूट करने के लिए प्लेन का डोर ओपन करता है। तब टेज भी होश में आ चुकी थी और वो बिग बनी को धक्का देने लगती है और बिग बनी प्लेन से पानी में जा गिरता है। टेस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तब तक फिन भी कॉकपिट में आ जाता है। फिन ने प्ले स्टेशन गेम में प्लेन को चलाने के बारे में सीखा था, तो वो किसी तरह से प्लेन को सही तरह से उड़ा देता है, पर उसे प्लेन को लैंड करना बिल्कुल नहीं आता था। तब फिन किसी तरह से प्लेन को पानी के पास ले जाता है और उसे लैंड करने की कोशिश करता है, पर वो प्लेन पानी से टकराकर टूट जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। दोनों पानी के ऊपर आते हैं और फिन टेस को शादी के लिए वापस प्रपोज करता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि खजाने को पानी से निकालने के बाद उन्होंने एक म्यूजियम बना लिया था और वो सारे के सारे लोग काफी अमीर हो गए थे और उस म्यूजियम में पड़े खजाने को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आने लगे थे। उस म्यूजियम में हर जगह पर सोने के हीरे जवाहरात रखे थे। वहीं एक बक्से पर ऑरेलिया का पत्थर भी रखा हुआ था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।